पतिदेव का चाय पीने का मन है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसपे हम चर्चा करते हैं। पापा का प्यार पापा का ही होता है, है? पीछे पीछे जा रही है बेटा, मार देगी मेरी जान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून। और दोपहर के एक बज चुके हैं अभी, और आज है संडे, तो पता ही है आपको लेडीज मतलब हाउस वाइफ की क्या हाल होती है। थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुई थी काम से, और अब मुझे खाना बनाना है, क्योंकि फिर पति देर कहेंगे खाना चाहिए खाना चाहिए, तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ फिर खाना बनाऊँगी। और उनका चंद्रगुप्त मौर्य चल रहा है भाई, इस आदमी ने मुझे इतना पिक्चर नहीं कर दिया ना। चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे ही पड़ रहा था, और एक ही लड़की ने मुझे बहुत तंग कर दिया। ओए शैतान, खाना बनाने की सोच रही हूँ कि बीन बना लेती हूँ। वो बीन होती है ना, बीन फली फली टाइप जो होती है बीन, वो वाली बीन और आलू को मैं सोच रहा हूँ नहीं बना देती हूँ, अभी काटूंगी, उन्हें काटने में भी तो टाइम लगता है। मुझे बहुत आलस आ रहा है, क्योंकि अभी भी काम करके थोड़ी देर पहले थी, व्लॉग भी डाला था ना मैंने, तो थोड़ी देर पहले ही मैं फ्री हुई हूँ। देखा मुझे नींद भी आ रही है, संडे वाले दिन सोचती हूँ कि जल्दी थोड़ा लेट उठूँगी, और मेरा पतिदेव घर पे थे तो उन्होंने जल्दी जल्दी उठा दिया, उठो जल्दी काम करो, फिर सो जाना। अब दिन में मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि दिन में मैं सोती नहीं हूँ, मुझे ऑफिस का काम करना पड़ता है, क्योंकि वो सोते हैं ना दिन में, उन्हें आदत है, मुझे नहीं आदत दिन में सोने वाली, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे सुबह की नींद बहुत अच्छी लगती है, ठंड ठंडी हवा चल रही होती है तो ठीक है, और फिर सोने दे मज़े से, मज़ा आ जाता है। जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो वहाँ बड़े आराम से सोती हूँ, मैं 9 बजे तक सोती हूँ, मम्मी कुछ भी नहीं बोलती, मज़ा आता है वहाँ पे। तो क्या ज़िंदगी थी और क्या हो गई, कैसे क्या हो गई। इस उम्र में बच्चों का ठीक रहता है, अपने बच्चे मस्त मगन अपना, ये देखो कोई मतलब ही नहीं है, देखो कैसे करेगी। ए ए ए ए ए ए गई। चलो गाइस खाना बनाएंगे, थोड़ी देर में फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, खेल लो इसके साथ। गुड इवनिंग गाइस, और अभी शाम के 6:30 होने वाले हैं, ठीक है। कहाँ मैं आपसे 1 बजे बात कर रही थी, सीधा 6:30 बजे बात कर रही हूँ, मतलब बात कर रही हूँ, साइंस की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और हम सो गए थे एक्चुअली में, खाना वाना खा के ना, आज हम तीनों ही सो गए, और थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं, और वो रोए जा रही है। देखो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इसने पिट्टी करी, इसने पिट्टी करी आपकी, इसकी इसकी ऐसे पिट्टी कर देंगे, ऐसे कर देंगे इसकी पिट्टी, ये चूचू करता है बेटी, देखो कुकु ये चूचू करता है, कराओ चूचू इसको, चूचू कराओ। ऐसे मनाना पड़ता है बच्चे को, क्या करें इनके छात। तो गाइस आज मतलब क्या बोलते हैं उसको, आज मेरे पतिदेव का चाय पीने का मन है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जुकाम भी हो रहा है, पता नहीं कैसे हो गया उन्हें जुकाम, तो चाय बना रही हूँ मैं उनके लिए, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वाली। चलो चाय बनाते हैं, और बोल रहे हैं वो ऐसा ना, उनकी आदत यह है कि वो मेरे बिना कुछ खाते पीते नहीं है, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि दोनों के लिए बनाना। हाँ जी चलो आ रही हूँ, तो कह रहे हैं दोनों के लिए बनाना, अब हमें भी पीनी पड़ेगी भाई, चलो बनाते हैं और पीते हैं। और फिर उनका तो कहीं जाने का मन नहीं है, तो देखते हैं अगर वो रेसिपी शेयर कराए तो रेसिपी शेयर कर देंगे आपके साथ, ओवन में ओवन वाली मतलब, और अगर कहीं जाएंगे तो आपको दिखा देंगे वो भी, ठीक है। अभी चाय बनाती हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं आपको। गाइस आपके घर में कोई बर्तन ना हो तो देखो चाय किसने बनाना, जग में बना सकते हो, मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इसे पकड़ भी लेती हूँ, ये गर्म नहीं होता इसका हैंडल, और ये आराम से छन भी जाती है, अब चाय भी बन जाती है इसमें। एक्चुअली ना मुझे बर्तन मिल नहीं रहा था। हाँ, बर्तन मिल नहीं रहा तो तुम मतलब आप ऐसे कर दोगे तो ऐसे में बना लेते बाबू, ऐसे में। हाँ, ऐसे में तो क्यों तारी चाय आपने मेरी, मैं कब कह रहा हूँ आप नहीं बना पाते, ये तो मतलब अद्भुत है, टैलेंटेड है आपके वाइफ, टैलेंटेड
किसी भी चीज में कुछ भी बना देती हूँ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। बस चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान पागल हो जाऊंगी मैं भी इनके साथ। हाँ बेटा ऐड आते ही तो ये चिल्लाने लग जाती है लड़की मेरी। लो चल के पोए। तो आप भी ट्राई करना कभी जग में। इन्होंने अभी वो कर दिया, देखो खुद देखो किसमें पानी गर्म कर रही है। मुझे बता रहे हैं कि चाय किसे बना रही है। बाबा बाबा ब्राक्षी। गाइस हमने सोचा है कि अब से ना मैं और मेगा जो है डांस कर रही है। डांस कर रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू ना, मतलब एक्सरसाइज के तौर पे ना। अच्छा करते हैं, मतलब ऐसा मतलब फील कराया मेरे को, मतलब करते नहीं है ये करने चालू कर देंगे। कुछ भी बोल रहे हैं ये, आज एक रील देख रही हूं ना उस पे बोल रहे हैं कि हम भी डांस कर रहे हैं। मेरी कमर डाउन है, समझ रही हूं मैं, समझ रही हूं। बताया मैंने आपको कोल्ड फील हो रहा है, कोई बात। चलो गाइस चाय बना लेते हैं, तो ट्राई कर लेना कभी आप भी चाय ऐसे बनाना चाहो तो बहुत अच्छी बन जाती है। बस मैं क्या ही बताऊं, आप कुछ नहीं बना रहे, अपनी तबीयत पे ध्यान दो ठीक है। ये डाल दी मैंने एक चम्मच शुगर। अच्छा ये केक की तैयारी कर रहे हो क्या आप? पर बाबू आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, क्या होता है ये, बिल्कुल गाइस ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपनी तबीयत पे ना, बस इनको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। पर ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा आराम भी करना चाहिए ठीक है। दवाई लेने चलेंगे चलो डॉक्टर के पास। को क्या लिखेंगे? को आई हो गया सांप, यो गया यो गया यो गया यो गया विंग 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 विंग। ये बनी हमारी बतख है, क्या बनी? उसको करने दो, क्या बनियो बतख? ये सांप को मार दिया, मार दिया मार दिया मार दिया हैं, मार दिया मार दिया। ये मार दी कर दी, कागज फाड़ देगी ऐसे लगे। अजी बस मास्टर जी। तो गाइज अभी केक बन रहा है, ओवन में ही है, लेकिन हमने उसकी रेसिपी नहीं दिखाई आपको। हम सोच रहे पहले हम खा के देख लें या बना के देख लें, आज के जी का फेस देखा। तो अगर अच्छा बन गया तो ही रेसिपी शेयर करेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमसे भी गलती हो रही है अभी ठीक है। हमसे क्या मतलब, आशीष से गलती हो रही थी भी, मैं तो इसमें कोई योगदान नहीं देती भाई। इनको मन करता है बेक करने का तो ये बना लेते हैं। देखो तो सही मेरी तरफ, देखो तो सही, अभी कैसे देख रहे थे मुझे। तो अभी बन रहा है, देख लो वहाँ पर बन रहा है अभी। मैं इनसे कब से पूछ रही हूँ कि खाने में क्या खाना है आपको, पर इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य देखने की लग रही है। पागल हो जाएंगे हम, पागल जाते हैं। तो गाइस अभी केक बन जाएगा तो खा के सबको बता दूंगी कैसे बना है, लेकिन हमने रेसिपी नहीं दिखाई है। तो जब अच्छा बन जाएगा तो ही रेसिपी देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे ठीक है। तो बन जाए फिर खाते हैं, और आज हम कहीं गए भी नहीं, आज घर घर में ही हम लोग सो के उठे, चाय वाय पी, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए तीनों ही, घर में ही है। और अब कहीं जाने का टाइम भी नहीं है, 8:30 हो चुके हैं। ये बनता है तो फिर One hour later. Guys, हमारा खाना वाना सब हो गया और हम घूमने जा रहे हैं, और केक जो बना है वो तो मैं बता ही नहीं सकती। केक बता दूं क्या? गाइस केक अच्छा नहीं बना, इसलिए हमने पहले ही सोचा था कि रेसिपी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि एक अच्छा नहीं बनेगा। बेटी बाइक पे नहीं जा रहे, पैदल पैदल जाएंगे बेटी, उसको लग रहा बाइक पे जाएंगे। तो हम थोड़ा सा घूम के आ रहे, वॉक करके आते हैं, क्योंकि खाना वाना तो हो गया हमारा। और आशीष पैसे लेने गए हैं, एक्चुअली उनका मुँह आ रहा है तो वो दवाई लेनी है उनको, तो वो लेने गए हैं पैसे। छुना ए छुना, आज मैंने इसको सैंडो में ही रखा हुआ पूरा टाइम, इसको भी अच्छा लग रहा है, रिलीफ सा मिल रहा है, वरना इसको पसीना आता था सोते टाइम भी और वैसे भी। ओए डॉगी 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 डॉगी, भागो 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 भागो, कैसे हल्ला हो रहा है। अच्छा बच्चे खेल रहे हैं। ओके
काफी सारी बाइकें खड़ी हैं यहाँ तो आज। कुकू यहीं खड़े रहना बेटे, बाइक आ रही है। चलो भाई चलते हैं। इधर से ना, इधर वाले में चल लेते। उधर रास्ता खराब हो रहा है। अरे पता नहीं यार उन्होंने रोड को कैसे कर दिया। आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ छोनी, आ जाओ, चलो आ जाओ। बाइक पे जाने को बोल रही है, गुस्सा हो गई। बेटू सुन तो सही, आज पैदल पैदल चलते हैं, चलो घूम ही करके आएंगे बेटी, चलो। चलो यार कितनी धूल हो रही है आपकी बाइक पे है। चलो चलो, समझदार बच्चा है भाई हमारा, ऐसी थोड़ी ना। बोले कैसे सर पे हाथ रख के जा रही बाबू। वो देखो जैसे ही मैंने बोला बाइक पे धूल हो रही, वैसे कपड़ा मारने लग गए। क्या बाइक पे लेके चल रहे क्या? पापा का प्यार पापा का ही होता है। मम्मी को मना करती है कि सर पे चढ़ा रखा है, और पापा जब प्यार करने पे आए तो ऐसे करते हैं। मतलब गाइस मुझे तो बोलते रहेंगे पूरा दिन कि इसको बिगाड़ रखा है, ठीक है, और खुद जैसे आएंगे ना तो उसकी हर बात मान लेंगे। चलो देख ले, देख ले पापा कितना प्यार करते हैं मेरी बेटी को, कितना प्यार करते हैं। वो भी तो हाथ फैला के, आ जाओ मेरे पापा आ जाओ। तो गाइस देखो यहाँ की रोड बन चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत धूल है पर कोई बात नहीं, चलता है तो सब कारों में जाके घरों में जाएगी लोगों के, तो बन गया पूरा रास्ता, अच्छा लग रहा है। और जल्दी भी पहुँच गए ना था, एकदम से आ गए हम तो। अपने थोड़ा सा घुमा के लिए है कुकू को, अब घर जा रहे हैं, घर जाके सोएंगे बस आराम करेंगे। तो यहाँ की मार्केट भी अच्छी हो जाएगी अब धीरे धीरे ना। गाइस आशीष हमारे दवाई लेने गए हैं, और ये लड़की ना इस बाइक के सारे बटन दबा रही है जो मुझे भी नहीं पता होंगे, वो सब दबाए थे ये। इसने इंजन बटन ऑन कर दिया, हालांकि अभी बाइक बंद है, तो ये ऑन ऑफ कर देती है ये बटन। इसके पापा इसी वजह से परेशान रहते हैं इससे ना, ये आगे बैठती है। ओए गिर जाएगी बेटा, गिर जाएगी छुना, अभी गिर जाती। ओए चुनू चुनु मुन्नू मियाँ अड्डू, गाइस गाना गाए ना, खाना खा रही थी, और कुकू को बड़ा वो है। ए मार देगी कुकू, मार देगी, नहीं मारने की, जो भी है ये। ओए तू लड़की, मार देती अभी। बहू पकड़ लो इसको थोड़ी देर, बेटे छोड़ छोड़, वो उसके पीछे पीछे जा रही है। बेटा मार देगी मेरी जान, अच्छा पता लगेगा। बेटे आई, ओए ओए कैसी है ये, ओए मार देगी कुकू। वहां ध्रुवी भी डांस कर रही है, दोनों बच्चे। तो गाइस घर आ गए, और घूमना फिरना भी हो गया हमारा, थोड़ा सा वॉक कर ली। तो कल मिलते हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी सो रहे हैं, सोएंगे। और ये जो है ना एक कुकली ची, ये सोने कहाँ देगी, अभी मम्मा को पहचान करेगी। टॉफी खानी है इसको, लो टॉफी लो मम्मा के हाथ से। इसको ये मिल्क वाली टॉफी देते हैं हम, क्यूब वाली, इसको लगता है चॉकलेट खा रही हूँ मैं। तो गाइस वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दिया, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करें नंबर जान जान को। ओके गाइस बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं आपको, ठीक है, बाय बाय।